दोस्तों आज तक आपने बहुत सी हॉरर फिल्म्स और हॉरर शोज देखे होंगे और इन्हें देखने के बाद आपको यही लगता होगा कि कौन सा भूत प्रेत असल दुनिया में होते हैं, ये तो बस एक फिल्म है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी हकीकत भरी खौफनाक कहानी से रूबरू करवाने वाले हैं जिससे अगर आप भी भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जैसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते तो इसे देखने के बाद आप जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इसी कहानी के ऊपर साल 2013 में द कॉन्जरिंग नाम की एक मूवी भी बन चुकी है और ये कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं थी बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी थी जिसमें हमें एक शापित गुड़िया के बारे में दिखाया जाता है जो कि हर वक्त एक इंसानी जिस्म की तलाश में रहती है। अगर कोई इसके रास्ते में आता भी है तो उसे अपनी मौत को गले लगाना पड़ता है। अब सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात आपके लिए ये होगी कि ये गुड़िया आज भी एक म्यूजियम में मौजूद है और म्यूजियम में साफ तौर पे ये मना किया गया है कि कोई भी इंसान इस शापित गुड़िया को हाथ तक नहीं लगा सकता। दोस्तों अगर आप भी शापित गुड़िया की हकीकत से वाकिफ होना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत अमेरिका में रहने वाले जॉनी ग्रुएल नाम के एक राइटर से होते हैं जो कि बच्चों के लिए किताबें और सीरीज लिख रहा था। जब जॉनी उठकर अपने घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ जाता है तो उसे वहां पर एक गुड़िया पड़ी हुई मिलती है जिसका नाम एनाबेल बताया जाता है। उसने अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों से उस गुड़िया के बारे में पूछा कि कहीं वो उनकी तो नहीं है, लेकिन सभी बच्चों ने मना कर दिया। फिर जॉनी उस गुड़िया को लेकर अपने घर आ गया और उस गुड़िया को उसने अपनी छोटी बच्ची को खेलने के लिए दे दिया। उस छोटी सी बच्ची को बहुत कम समय में गुड़िया से इतना लगाव हो गया था कि वो उस गुड़िया को हर समय अपने पास रखते थे। जॉनी को ये सारी बातें कुछ अजीब तो लग रही थी लेकिन इतनी भी नहीं कि वो इस बारे में ज्यादा सोचता। अचानक एक दिन वो गुड़िया जॉनी के घर से गायब हो गए। जॉनी और उसकी बेटी ने एनाबेल डॉल को काफी ढूंढा लेकिन उन दोनों को वो कहीं नहीं मिले। एनाबेल डॉल के न मिलने पर जॉनी की बेटी बहुत रोई लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। थोड़ा समय बीतने के बाद जब जॉनी की बेटी करीबन 13 साल की हुई तो उसे एक बीमारी ने घेर लिया। हालांकि डॉक्टर्स ने जॉनी की बेटी को कुछ इंजेक्शन देकर बीमारी का इलाज भी अच्छी तरह से किया था लेकिन फिर भी उसकी बेटी की बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इन सब के बाद जॉनी ने अपनी जिंदगी की इस कहानी के ऊपर एक किताब भी लिखी और उस किताब के कवर फोटो पर एनाबेल डॉल की तस्वीर नजर आई थी। ये किताब फेमस तो बहुत हुई लेकिन जिस किसी ने भी इस किताब में जॉनी की बेटी के बारे में पढ़ा वो सभी इस किताब को लेकर हैरान हो गए। दोस्तों साल 1970 की बात है जब एनाबेल डॉल एक बार फिर सुर्खियों में आए थे जब उसे एक महिला ने किसी दुकान में देखा था। उसने इस डॉल को अपनी बेटी के बर्थडे पर गिफ्ट किया था। आपको बता दें कि उस महिला की बेटी का नाम डोना था जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थे और कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। डोना ने जब पहली बार इस गुड़िया को देखा तो उसे एक गुड़िया बहुत ज्यादा पसंद आई थी इसलिए वो इस गुड़िया को वेकेशन पे भी जाती तो अपने साथ ले जाते। उस बच्ची के साथ उसके दो दोस्त भी रहते थे। बताते हैं कि एनाबेल डॉल के आने से पहले कुछ दिनों तक तो सब सही चल रहा था लेकिन कुछ टाइम बाद डोना को भी ये लगने लगा कि एनाबेल डॉल में कुछ तो अजीब जरूर है। डोना को ऐसा लग रहा था जैसे ये गुड़िया चल सकते है, बोल सकते है और देख भी सकते है। लेकिन फिर बाद में वो सोचती थी कि ये केवल उसके मन का वहम है। लेकिन एक बार डोना ने खुद अपनी आंखों से ये साफ साफ देखा कि एनाबेल डॉल हिल सकते है। डोना ने जब इस बारे में अपने दोस्त लू को बताया तो उसने कहा मुझे तो शुरुआत से ही इस डॉल का बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था और वो पहली बार ही इस डॉल को देखकर डर गए थे। डोना के दोस्त ने उसे ये कहा कि कोई मामूली गुड़िया नहीं है बल्कि ये बहुत ही अजीब है इसलिए वो या तो इस गुड़िया को फेंक दे या फिर किसी को दे दे। लेकिन डोना ने उसकी ये बात बिल्कुल नहीं मानी। कुछ समय बाद एनाबेल के लिए डोना का शक और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। अब उसे ये तो यकीन हो गया था कि एनाबेल डॉल हिल सकते हैं और उसने ये पक्का करने के लिए एक दिन डॉल को अकेले कमरे में बंद कर दिया ताकि वो ये जान सके कि कहीं ये उसका वहम तो नहीं है। अगले दिन जब डोना अपने कमरे में वापस गए तो एनाबेल डॉल को अपने कमरे से बाहर देखकर वो चौंक गए। लेकिन इन सब के बावजूद भी डोना का उस डॉल से लगाव बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। कुछ हफ्ते बीतने के बाद डोना जब अपने कमरे में वापस आई तो उसने फर्श पे पड़े कुछ पन्ने देखे जिसमें खून से साफ साफ लिखा गया था हेल्प मी। लेकिन एक खास बात वो लिखावट इस तरह के थे जैसे किसी छोटे बच्चे ने यह लिखा हो। हालांकि यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और डोना भी एनाबेल डॉल से कुछ कुछ डरने लगे थे। एक दिन की बात है जब डोना अपने कमरे में वापस आती है तो उसे एनाबेल डॉल पे कुछ खून के दाग लगे हुए दिखाई देते हैं। हालांकि डोना के दोस्त लू इन सब बातों से पूरी तरह डर चुके थे और वो हर समय एनाबेल डॉल को बुरा भला कहा करते थे। एक दिन जब लू को डोना के कमरे से चीखने की आवाज आई तो वो तुरंत ही डोना के कमरे में गए। कमरे में जाने पर वहां से डोना तो नहीं मिले लेकिन एनाबेल डॉल मिल गए। ऐसे ही एक दिन डोना और उसके दोस्त ने डोना के कमरे से लू के चीखने की आवाज सुनी और जब वो दोनों कमरे में गए तो लू को घायल देखा। लू के पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और वो बहुत ज्यादा डर जाने की वजह से बेहोश हो चुके थे। इसके बाद डोना और उसके दोस्त लू को अस्पताल ले जाते हैं। जब अस्पताल में लू कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं तो वो डोना से कहते हैं ये सब उसके साथ एनाबेल डॉल ने किया था, जिसे सुनकर डोना भी काफी घबरा जाते हैं। इन सबके बाद डोना एनाबेल डॉल को लेकर एक चर्च में फादर के पास जाते हैं।
एनाबेल डॉल को देखने के बाद फादर उसे कहते हैं कि ये एक शापित गुड़िया है और इसमें एक शैतानी आत्मा का साया है। फादर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए डोना को एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास भेजते हैं। उन दिनों अमेरिका में एक कपल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एक्सपर्ट माना जाता था, जिनका नाम एडविन वैरन माइनी और लॉरेन रीटा वैरन था। जब एडवर्ड और लॉरेन को इस एनाबेल डॉल और इसकी हरकतों के बारे में बताया गया तो ये सब जानकर वो भी भौंचक के रह गए। इसके बाद दोनों पति पत्नी डोना के घर जाते हैं। एडवर्ड और लॉरेन दोनों डोना और उनके दोस्तों से बात करने के बाद ये कहते हैं कि आज से तुम लोग एक हफ्ते तक इस डॉल की सभी हरकतों पर नजर रखोगे। वो तीनों दोस्त एक हफ्ते तक इस डॉल की सभी हरकतों पर नजर रखते हैं। एक हफ्ता हो जाने पर एडवर्ड और लॉरेन भी जांच करने के बाद ये बताते हैं कि इस डॉल पर एक बुरी आत्मा का साया है। साथ में ये भी कहा कि ये गुड़िया किसी इंसानी जिस्म की तलाश में है और ये डोना को हद से ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए ये कभी भी डोना के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। एडवर्ड और लॉरेन दोनों ने डोना और उसके दोस्तों को ये वार्निंग दी थी कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि ये बात सुनकर डोना और उसके दोस्त काफी डर गए। इसके बाद एडवर्ड और लॉरेन दोनों ने फैसला किया कि वो इस डॉल को अपने साथ ले जाएंगे और इस पर आगे की जांच करेंगे। लेकिन जैसे ही दोनों पति पत्नी एनाबेल डॉल को अपनी कार में रखकर वहां से निकले तो थोड़ा आगे जाते ही कार के स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। इससे ये तो पक्का हो गया कि ये सारी हरकतें इस एनाबेल डॉल की हैं, जो कि डोना से बिल्कुल भी जुदा नहीं होना चाहते। हालांकि एक छोटा सा एक्सीडेंट था जिससे एडवर्ड और लॉरेन को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उन दोनों ने पहली बार इस डॉल की ताकत को अपनी आंखों से देखा था और इससे वो ये समझ गए थे कि मामला हद से ज्यादा आगे निकल चुका है। जिसके बाद दोनों पति पत्नी डॉल की ताकत को नियंत्रित करने के लिए उस पर कुछ मंत्र फूंक कर कुछ देर तक साधना करते हैं और फिर इस डॉल को लेकर वहां से चले जाते हैं। जब वो दोनों इस डॉल को अपने कार्यालय में एक जगह रख देते हैं तो कुछ दिनों तक तो वो शांत रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसकी अजीबोगरीब हरकतें फिर से शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद एडवर्ड और लॉरेन को ये लगता है कि अगर इस गुड़िया को खुले में रखा गया तो ये किसी न किसी तरह डोना के जिस्म में प्रवेश करने की कोशिश जरूर करेंगे। जिसके बाद उन दोनों ने एनाबेल डॉल को एक कांच के बक्से में सील करके म्यूजियम में रख दिया, लेकिन म्यूजियम में रखे इस बॉक्स के बाहर आज भी ये चेतावनी लिखी हुई है कि कोई भी व्यक्ति इसके ज्यादा करीब ना आए, क्योंकि इस डॉल की शक्ति अभी भी उसके पास है और वो कभी भी बाहर आ सकते हैं। एक बार की बात है जब एक लड़के ने म्यूजियम में आकर इस डॉल का मजाक उड़ाया और उसकी शक्तियों को चुनौती दी। इसके बाद जैसे ही लड़का म्यूजियम से बाहर निकला तो घर जाते वक्त उसकी एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई। जब इस बात का पता एडवर्ड और लॉरेन को चला तो उन्होंने ये कहा कि इस लड़के को एनाबेल डॉल को चुनौती नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये कोई मामूली डॉल नहीं है बल्कि इसमें एक शैतानी आत्मा का साया है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या एनाबेल डॉल के अंदर हकीकत में किसी शैतानी आत्मा का साया है या फिर ये सब कुछ एक इत्तेफाक है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।